हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं जैक डार्लिंग पार्क में आई हूँ, टोरंटो के लेक शोर पार्क। इधर आ चुकी हूँ पहले, पर हर बार डिफरेंट नज़र होती है, डिफरेंट सीन होते हैं, एंगल डिफरेंट होता है, और मतलब जिस जगह से मैं एंटर करती हूँ वो डिफरेंट होती है। आपको भी डिफरेंट लगेगा सब कुछ। चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, और वो ब्लू स्काई के बैकग्राउंड बहुत ही आँखों को बहुत ही सुंदर लगता है, मन को इतना भाता है। और वो देखो, कुछ लोग पिकनिक पर अपने वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या डे टू डे की बिजी लाइफ से, ऑफिस की दिनचर्या से निकलकर ऐसे पिकनिक पे आना भी एक बहुत अच्छा रहता है। लोग बाइसाइकिल चलाते हैं, अपना डिफरेंट रूटीन रहता है वीकेंड में ना, जब घर से बाहर निकलो। और ऐसा करना चाहिए, सबको करना चाहिए आज के ज़माने में, इतना टेंशन भरी लाइफ में ऐसा सबको करना चाहिए। थोड़ा सा खेलें, मित्रों से मिलें अपने, और ऐसे नेचर के पास जाएं। तो बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पर जो है बाइक पाथ था, जिस पे बाइक चला रहे थे लोग, वॉक भी हम करते हैं इस पे। और ये पार्क के अंदर की रोड है, ये बाहर की रोड नहीं है, अंदर की रोड है, तो सेफ रहता है, कोई बाहर का ट्रैफिक नहीं आता। कार तो पार्क साइड में हो गई, हम अपनी अपनी कार पार्क करके फिर आते हैं। ये लोग खूब मज़े कर रहे हैं, खूब बढ़िया। इनका इतना बढ़िया चेंज हो जाएगा कि बस पूछ मत। और घास पर लोग अपने अपने ग्रुप्स में बैठे हैं, अपनी अपनी जगह स्पॉट्स को सेव करके बैठे हैं। यहाँ पर मेनली लोग लंच का प्रोग्राम रखते हैं, लंच लेकर आते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा बना के लाते हैं, कुछ लोग बारबेक्यू करते हैं। अपना अपना जिससे जैसा प्लान होता है वैसा करते हैं। तो ये टेंट में है, कुछ लोग टेंट लगाते हैं ऐसे छुटका सा, ये तो इजी वाला है। कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े मतलब टेंट लगाते हैं, फोल्डिंग चेयर लेके आए हुए हैं कुछ लोग। उधर रेड रेड जो है वो प्ले ग्राउंड है बच्चे को, तो बड़ा अच्छा है कि बड़े लोग, हम लोग अपने गपशप मारें अपने ग्रुप में और बच्चे सेफली खेलते रहे। हमें कोई डर नहीं है कि ट्रैफिक का या कोई बच्चों को कुछ हो जाएगा, अपने आँखों के सामने खेलते रहते हैं अपने। और बड़े लोग अपने अपने हिसाब से गप्पे मारते रहते हैं, किसी को खेलना है खेलो, गप्पे मारना है मारो, पानी में जाना है पानी में जाओ, स्विमिंग करनी है स्विमिंग करो, क्योंकि लो शुरू में तो लो ही है क्योंकि इतने बच्चे भी हैं वहाँ पानी के अंदर, और पानी की साइड में वो बीच है। तो जैसे आप देख रहे हैं कुछ टेबल लगा के सेट करके बैठे, तो फोल्डिंग टेबल्स ले आते हैं, एक काला डॉग बॉल से खेल रहा है। हाँ, तो सामने पानी है बस। तो कितना बढ़िया पार्क है, देखो ऐसा पार्क होता है जब पानी भी हो, घास भी हो, अंदर की रोड भी हो सेफ। बहुत ही अच्छी जगह है सच में। और पानी में लोगों ने तरह तरह की बोट डाली हैं, ये एक है हवा वाली, हवा भर जाती प्लास्टिक होती है तो वो दिख जाती है अलग से, जो है कि ऐसी वाली जो होती है वो फिर कार में लेकर आते हैं, फिर पंप से हवा भर के उसको बोट बना लेते हैं। ये महाशय जी अपने अकेले चिल कर रहे हैं, बेंच पे बैठ के लुत्फ़ उठा रहे हैं नज़ारे का। जी हाँ, सो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इधर में लगता है वो डॉग को बोट में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी, आई थिंक या अभी देखेंगे कि या वही वही उसको ना, डॉग को बोट में बिठाने की बात हो रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। ये बच्चा अपने सैंड में खेल रहे, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। वो ये वाला फ्रोजी कलर का टेंट भी सुंदर लग रहा है, ग्रीन 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 ग्रास पे बैकग्राउंड में, ऊपर से इतने सुंदर सुंदर ग्रीन कलर के ट्रीज़। तो भैया ये रिजर्व फॉर परमिट होल्डर या ऑनलाइन पर ये भी है, वैसे तो सारा फ्री है सब कुछ, पर अगर वहाँ पे स्पॉट्स भी होते हैं कि ग्रुप में आए हो और मान लो आप जब तक पहुँचे कोई और आके बैठ गया, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ भी, अपना बुक कर लो स्पॉट। तो कहीं कहीं तो फीस भी होती है और कहीं कहीं फ्री बुकिंग भी होती है। मैंने कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो देखा नहीं मैंने ऐसा। ये बस मैंने क्लोज़अप थोड़ा लिया है दोबारा से कि पानी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये दूसरा टेंट है, दूसरे तरीके का, ये मजबूत वाला टेंट है, मेहनत से गढ़ता है, हर एक कोई नहीं गाड़ सकता है इसको। तो इसके लिए वही है, जेंट्स होने ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मेरी अकेली बेंच हो और बैठूँ आराम से, और बात करने का मन हो तो बात करूँ। लगता है इस जगह कुछ मिलेगा। यहाँ मैंने दूसरे एंगल से पानी के लिए
बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बोट्स दिखाई दे रही थी मेरे को। सो मैंने इसका अलग से लिया है। यहाँ पर एक बोट लगता है पापा बेटे हैं, पापा के पास पतवार है, बेटे जी के पास नहीं है, तो वो अपने हाथ से ये पानी को कर रहे हैं। कुछ तो वही करना चाहिए एक्टिविटी ना, तभी तो मज़ा आता है। या तो और उधर में थोड़ी सी और बोट हैं, सिंगल सिंगल लोग हैं, ये तो पतवार वाला है, और ये और एक और सिंगल सिंगल है, ये भी है, पता नहीं किस टाइप की बोट है, क्योंकि एक कायक भी होती है। ये वाला पेड़ ना था तो बहुत सुंदर, लॉन्ग था, नीचे से डिफरेंट उसकी लीव्स थी। मैंने क्लोज़अप ज़्यादा ले लिया उसका, दूर से लेती तो लुक अच्छी आती है इसकी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो झूले हैं, दोबारा दूसरा सप्लाई, तो जगह जगह झूले हैं। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था एंगल वुड का, और हाफ सर्कल सा बाइसिकल आगे, तो बहुत ही सुंदर दृश्य था जिसका मैंने ये लिया। या ये क्वाइट जगह है, थोड़ा और आगे वॉक करी मैं। सो यहाँ पे क्वाइट है, सारी फैमिलीज़ की पिकनिक वगैरह जो थी वो पीछे थी। सो अभी मैं वॉक करती हूँ, देखती हूँ मेरे को भी अभी अपनी पसंद की जगह बैठने की मिलती है कि नहीं। बेंच तो एक दो मिली, अभी यहीं पर लेफ्ट साइड में है ये, पर मेरे को सामने भी कुछ और अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा वॉक करके जाती हूँ फिर वापस आके बैठ। इस जगह मैं इतना दूर तक इससे पहले कभी नहीं आई, कंजर्वेटिव एरिया है ये उस पार्क का। सो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, डॉग पार्क भी है, पिकनिक की जगह भी है, कंजर्वेटिव एरिया भी, तो वो देखती हूँ मैं जाकर यहाँ क्या मिलता है। सो यहाँ तक मैं नहीं आई, सो आई एम गोइंग टू वॉक। इंटरेस्टिंग लगी मेरे को ये, जो जिस तरह से उन्होंने बनाया है इसको, ब्रिज को। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट मी सी ये कहाँ लेके जाती है मेरे को। सो उधर तो लेक शोर है ही, और आई थिंक मैं और आगे जाती तो वो ये वॉक करते रहो वाली जगह आती। देर इज स्वान, आई थिंक दो हैं वहाँ। You know what, guys? I think that's a house for some animals. See there? के बाल बांध दिए। यहाँ पर ना एक पेड़ होता है जो मेरे पीछे पीपल जैसा, पर वो पीपल नहीं है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट। अब मैं वापस लौट रही हूँ, पता नहीं कितना लंबा है, थोड़ा बैठते हैं क्योंकि वॉक करते करते मालूम नहीं कितना दूर आ गई मैं। आवाज़ सुनिएगा तो आपको भी लगेगा मेरे साथ वॉक कर रहे हैं। यहाँ तो
बर्ड्स की अपनी बातें हो रही हैं, और उधर लहरें अपने मस्ती में हैं, वो अपना सुंदर गान कर रही हैं, और इधर पदचालों की पैरों के चलने की आवाज़ है। सुनिए लहरों की आवाज़ें। धूप नहीं होती तो यहीं बैठ जाती, पर धूप है इधर में, सब भागना पड़ जाएगा। पानी की लहरें कहीं की भी हो, वो कानों को बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और आँखों को भी पानी को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ये नेचर की जितनी भी चीज़ें ना, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पक्षी, वो सब बहुत ही अच्छा अनुभव देते हैं। इसीलिए बोलते ना, नेचर के साथ रहो, नेचर के साथ रहो। ये इतना सुंदर ग्रीन कलर था ना, जो धूप इस पे गिर रही थी पत्तियों पे ना, वो बहुत ही सुंदर आ रहा था, तो और पत्तियां भी सुंदर लग रही थी। तो थोड़ा सा मैंने ना ग्रीनरी की भी वीडियो बना लिया, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने से। और आप देखो ना, मैंने नेचुरल आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, इधर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही। देखो वो वॉक कर रहे हैं, सो इतना क्वाइट है जगह। नहा के निकला है ये पानी से वो डॉग, यहाँ ना अपने एनिमल्स को बहुत प्यार से रखते हैं, जैसे बच्चे हम लोग अपने बहुत प्यार से रखते ना, ऐसे ही बहुत ध्यान रखते हैं उनका ना, उनके खेल कूद का, उनके एंटरटेनमेंट का। सो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे आउटिंग प्लेस, जैसे बच्चों को लेके आते हैं ना हम, ऐसे ही ये लोग इन जगहों पर अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं। यहाँ पे कितने सारे हैं, सबके डॉग्स, सब अपनी मित्र मंडली के साथ हैं। डॉग भी अपनी मित्र मंडली के साथ हैं, लोग भी अपनी मित्र मंडली के साथ हैं। सो ये है, यहाँ पर बढ़िया है, हर एक की जान की कीमत है, छोटे छोटे जीव जंतु की भी कीमत है, उसी के लिए तो ये जगह है। यहाँ पर लोग खेल रहे हैं, मैं वापस लौट रही हूँ, तो वही कुछ जगह फिर दोबारा से दिखाई देंगी, पर दूसरे वाले लोग हैं जो खेल रहे हैं। ये लड़की ना ऊँची अकेली बैठी हुई थी बेंच की, पर बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस मिल गया, सब घूमना घामना हो गया। इस बेंच, जब मैं जा रही गई थी तो इस बेंच पे कोई बैठा हुआ था बंदा, अब वापस आई तो वो इस बेंच के थोड़ा सा दूर पे वॉक करके फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने कहा कोई नाम तो लिखा नहीं किसी का भी, मेरा भी नहीं ना उसका भी, तो बैठ गई। अब वो थोड़ा सा उसको यहाँ से हटना पड़ा, वो बात तो अभी भी कर रहा है, पर मेरे को क्वाइट जगह मिल गई जहाँ पर मैं आराम से बैठ के फिर घर चले जाऊँगी। सो आपको दिखाती हूँ कितना क्वाइट है, क्या है। अभी तो नहीं वॉक करी मैं, बाद में जाऊँगी। पर देखो कितना बढ़िया, बच्ची होती ना मैं यहाँ छुपती छुपाती इन पेड़ों पे कूदती फाती, छुप जाती, लटक जाती। और यहाँ पे कोई भैया फल फूल होते तो मज़ा ही आ जाता, उनको तोड़ तोड़ के खाते रहते और यहाँ पे अपने घंटों बिता देते। तो ये तो बच्चों का भाई हाइड आउट लग रहा है बहुत बढ़िया, जहाँ पे वो बहुत समय गुजार सकते हैं अपना। इस वक्त तो मेरा हाइड आउट है बेंच है मेरी हाइड आउट। गिलहरी आ गई, मैं तो डरी गई भैया। इरादा क्या भैया, मेरे पास तो कुछ खाने का भी नहीं है। बहना बहना भैया बच्चा जो भी। हाँ ये बंदर ना वो इंटरेस्टिंग पतंग लेके उड़ रहा था, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर जब प्रेग्नेंट होते ना लेडीज तो वो फोटोग्राफी कराती हैं, तो उधर पर परमिशन फोटोग्राफी हो रही है। ये लोग आ रहे हैं ना, इनको बहुत, या तो इनकी फैमिली पहले से आके बैठी होगी, कोई इसी ने स्पॉट ले लिया होगा, अदरवाइज इन लोगों को तो बहुत चलना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा स्पॉट लेने के लिए। वो लोग लेट आ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली, पहले कार पार्किंग ढूंढी उन्होंने दूर जाके, फिर सामान को लाद लाद, क्योंकि खाने के हिसाब से आते हैं, लाद लाद के ला रहे हैं। उसके बाद फिर उनको स्पॉट ढूंढना पड़ता है कि कहाँ बैठा जाए थोड़ा अलग शांति से। तो मैं देख रही लोग वॉक वॉक कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं हम लोगों को तो पता लग गया,
9 बजे तक आ जाओ, कार पार्किंग मिल जाएगी, स्पॉट मिल जाएगा। और लोग सुबह जब मैं आई थी तब भी लोग थे, दैट मीन्स 8 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। सो वॉज ए गुड आउटिंग। आप लोगों के बहाने घर से निकलना हो जाता है मेरा भी, और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन हो जाता है। ऊपर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है। ये तो चलो खा पी के निकल लिए टाइम से। या सो यहाँ पे वो साइकिल का पाथ भी है एक्चुअली। सो डॉग पार्क है, बाइसिकल पाथ है, कंजर्वेटिव एरिया है, पिकनिक एरिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और वाटर स्पोर्ट्स तो हैं। इस पार्क से चलना चाहिए, सब जगह से खुशबू खुशबू आ रही है। लंच का टाइम हो गया है, गुलाब की खुशबू, ब्रेड की खुशबू, सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं, खाने की बारबेक्यू चल रहे हैं। बहुत लोग हैं क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, सबके बहुत लोगों के वैक्सीनेशन लग चुके हैं। सो सब जगह फैमिलीज फैमिलीज हैं। गुड आउटडोर फॉर द फैमिलीज। ओके बाय।